हाय एवरीवन, मैं संजू स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आंसी एंड संजू ब्लॉग्स में। तो कितनों दिनों बाद फिर से मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, वो है चिकन कोरमा। तो मैं यहाँ पे मैं 1 kg चिकन ली हूँ, उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाली हूँ, नमक और साहा गोलमरीच। अगर साहा गोलमरीच ना हो तो आप तो ब्लैक गोलमरीच का गुड़ा भी डाल सकते हैं। और इसमें हम कश्मीरी रेड चिली डाले हैं और इसमें दही डालेंगे। और इसको मिक्स करके रेस्ट करने के लिए हम आधा घंटा के लिए रख देंगे। तो ये मिक्स हो चुका है, इसको मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल और थोड़ा सा घी डालेंगे। और आपको जो तेल से बनाते हैं बना सकते हैं। तो फ़ौरन के लिए मैंने 2-3 हरा इलायची, 1 बड़ा इलायची, लौंग, गुलमरीच और दालचीनी ले लिया है। इसको हम तेल में रख देंगे और कुछ देर तक इसको हम इसी तरह चलाएंगे। तो ये अच्छा से पक चुका है, इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को भी अच्छा से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। तो इसको हम 10 मिनट तक अच्छा से भूनेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे कि जल्दी ये गल जाए। तो इसको भूनेंगे, उसके बाद 10 मिनट तक ढक के रख देंगे। तो ये भुना चुका है, ऐसे बीच बीच में हम देख लिए थे। इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन को डालेंगे और इसको भी अच्छे तरह से भूनेंगे। इसको हम 10 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे। जब तक ये हो रहा है इसको होने देते हैं। और इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच जीरा है, गुलमरीच है, हरा इलायची है, बड़ा लौंग है और दालचीनी है, जावित्री है, बड़ा इलायची है। तो इसको हम एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें उसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो हम इसको पीस लेंगे और पीस के एक स्वादिष्ट मसाला तैयार करेंगे। तो हम 1 कप दूध लेंगे, इसमें पाउडर वाला दूध भी मिलाएंगे 2-3 चम्मच और मिला के इसको साइड में रख देंगे। तो अब हम इसको देखेंगे कि हुआ है कि नहीं, और इसको हम और चलाएंगे। और जो दूध हम मिक्स करके रखे थे उस दूध को भी इसमें हम डाल देंगे और 10-15 मिनट फिर भूनेंगे इसको।
जो मसाला तैयार करके रखे थे वो मसाला इसमें हम डाल देंगे और फिर से हम 5 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे चला के। तो इसको हम होने देते हैं और ये काजू और चाल मगज का पेस्ट है उसको भी हम इसमें डाल देते हैं, इससे और अच्छा स्वाद आता है इसमें। तो चलाएंगे, चला के हम 10-15 मिनट इसको भूनेंगे। तो ये भुना चुका है, आप देख सकते हैं इसमें हम पानी नहीं डाले थे, थोड़ा सा जो बाटी खंगार के जो पानी डाले थे बस वही पानी डाले थे और इसमें हम विनेगर डालेंगे, इससे और स्वाद आएगा इसमें। तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपना घर पे ये ट्राई करके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा बनता है और सही में बहुत अच्छा बना ही था। तो बीच बीच में हम इसको चला देंगे और थोड़ा सा 5 मिनट और इसको हम होने देंगे। तो ये लगभग हो ही चुका है और ये रेसिपी आलू कुलचा के साथ बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप आलू कुलचा के साथ कभी बना के देखिएगा और पराठा पूरी सबके साथ अच्छा लगता है। ये हो चुका है, इसको हम एक बर्तन में निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। और ये चिकन कोरमा का रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसके साथ हम आलू कुलचा भी बनाएंगे, उसका भी रेसिपी शेयर करेंगे अभी आप लोग के साथ। तो मैं 500 ग्राम मैदा ले ली हूँ, इसमें हम ईस्ट नहीं है तो आप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा रिफाइन तेल, दही और गुड़ा किया हुआ चीनी और गुनगुना पानी से इसको हम धो लगा लेंगे। तो ढोट तैयार हो चुका है, इसको हम 1 घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम स्टफिंग के लिए इसमें हम कुछ चीज़ ऐड करेंगे, जैसे 2 उबला हुआ आलू है और इसको हम कद्दूकस कर लिए, इसमें प्याज और हरी मिर्च, आदि, लहसुन और भुना हुआ जीरा, कस्तूरी मेथी और आमचूर पाउडर, ये सब डाल के इसको हम मिक्स कर देंगे। तो नमक डाल के हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लिए हैं, अब इसको हम कुलचा बनाएंगे। तो एक जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह रोटी से थोड़ा बड़ा लोई लेंगे और इसको हम इसमें स्टफिंग भर के और जैसे पूरी बनाते हैं उस तरह इसको करके और बेलेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा कलौंजी और वाइट तिल, कस्तूरी मेथी, अगर धनिया पत्ता हो तो धनिया पत्ता से ऊपर हम गार्निश करेंगे।
और देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। तो हम पहले से तवा गरम करने के लिए रख दिए थे और तवे पे थोड़ा सा पानी रखेंगे और उसके बाद हम ये अपना कुलचा रखेंगे और उसके बाद हम ढक देंगे, मीडियम लो फ्लेम कर देंगे और ढक देंगे। बहुत अच्छा बनता है फ्लफला कुलचा और सॉफ्ट, मत पूछिए, बहुत अच्छा बनता है और चिकन के साथ खाने में क्या मस्त लगता है। और आपको ये अगर रेसिपी अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा कुलचा का रेसिपी आपको कैसा लगा। और चिकन कोरमा का जो मैं अभी चिकन कोरमा बनाई हूँ उसके साथ खा के आप देखिए, वाह क्या लाजवाब लगता है। और इसमें थोड़ा सा बटर या रिफाइंड तेल या घी लगा देंगे, तो मैं रिफाइंड तेल लगा दी हूँ इसमें और मेरा कुलचा ये बन के रेडी हो चुका है। तो मेरा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।